इंडिया यानी कि हमारे देश की महानगरी कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। सो दोस्तों, गंगा विलास क्रूज जिसका जो सवारी निकली थी विदेशियों को लेकर यानी कि सैलानियों को लेकर, जो कि हुगली नदी डिस्ट्रिक्ट में बसा छोटा सा गांव चंदन नगर सिटी को वो लोग विजिट किए, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया था, लेकिन अब वो सवारी पहुंच चुकी है कोलकाता सिटी में। सो दोस्तों, कोलकाता सिटी में उन्होंने बहुत ही फेमस जो कोलकाता का यानी कि वेस्ट बंगाल कोलकाता का जो फेमस मूर्तिकार यानी कि कुमार टोली की गलियों को उन्होंने घूमा है। कुमार टोली में जितने भी मूर्तिकार जो लोग हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के रूप को रूपदान देते हैं, उन लोगों से उन्होंने मिला और वहां से कुछ हम लोग के हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मूर्तियों को खरीदा भी, और साथ ही साथ फिर कुमार टोली के गलियों से निकलकर सीधे हावड़ा स्टेशन के सामने जो फूलों की मंडी बैठती है, जहां से हर एक जगह पे फूल जाते हैं, वो चाहे कोई भी फूल हो, तो वो फूलों की मंडी को भी उन्होंने घूमा। और साथ ही साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा, फिर वो मंडी घूमने के बाद जो कोलकाता स्प्लेनेट जो मार्केट है कपड़ों का यानी कि फुटपाथ पे जो मार्केट बैठता है, उस फुटपाथ मार्केट से भी उन्होंने कुछ खरीदारी किया और वहां के जो क्रेता है विक्रेता है उन सारे लोगों से उन्होंने बात भी किया। तो चलिए, ये जो रिपोर्ट है डीडी न्यूज के तरफ से किया गया है, तो अभी आप लोगों को मैं फुटेज दिखाता हूँ कि सैलानी जो लोग कोलकाता सिटी को घूमे और क्या उनका कहना है। देश का महानगर कोलकाता इतिहास की परछाइयों में वर्तमान को जीने वाले और सुनहरे भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने वाले शहर कोलकाता को एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने जाना। सबसे पहले कारवां सुप्रसिद्ध फूल मंडी पहुंचा। रंग बिरंगे फूलों से गुलजार मंडी में खरीदारों की भीड़ के बीच यहां के मिजाज को भांपा और फिर यहां से सैलानी कुमार तुली पहुंचे और भगवान को आकार में गढ़ने वाले इन कलाकारों के कौशल को देखा। याद के रूप में कुछ मूर्तियों को भी खरीदा। अच्छा लगता है, बाहर से आता है, देखता है, वैरायटी हम रखते हैं, गणेश दुर्गा जी का अनेक वैरायटी रखते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं। फॉरेनर्स जो आते हैं बाहर से बेसिकली छोटा लेते हैं, इसलिए छोटा ज़्यादा रखते हैं, इसलिए पसंद आता है सबको। हमारा इधर ट्रेडिशनली हमारा बिजनेस है, यह हमारा फोर्थ जनरेशन चल रहा है। इधर से पूरा होल्ड वर्ल्ड में जाता है, इधर से मूर्ति सारे बहुत जगह से आता है, जो हमारा टूरिस्ट आकर के देखता है, उसको हम डेमोंस्ट्रेशन देता है। इसके बाद सैलानियों ने कोलकाता की न्यू मार्केट में भी सैर की, कलाकृतियों की प्रसिद्ध और पुरानी दुकान कुरियो क्राफ्ट गए और खरीदारी की। इतना ही नहीं, पटरी पर बिक रहे सामान भी सैलानियों को भा गए। 1953 We're running the same business. Rama Satyajit Ray, when he made the Shatranj Ke Khiladi, the chess set was purchased from our shop. It gives us satisfaction that even after 70 years, the foreigners and everything, if those who have come even 20 years, 30 years before, they still like to visit our shop. जब ये लोग टूरिस्ट लोग आता है तो हम लोगों का थोड़ा खरीदारी अच्छा होता है, इन लोगों के वजह से हम लोगों का दुकान चलता है, आना चाहिए। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मार्ग खोलना है, जिसमें ये मुहिम कारगर होती दिख रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाता ही रहूंगा और साथ ही साथ हर एक हिस्टोरिकल प्लेस, वो चाहे मंदिर हो या चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो या चाहे कोई भी एक हिस्टोरिकल प्लेस हो, सारा चीज का हिस्ट्री में पता लगा कर आप लोगों को दिखाता ही रहूंगा आने वाले टाइम में। बस आप लोगों को करना क्या है, मुझे सपोर्ट करना है। सपोर्ट के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर, आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए फुल मोटिवेशन है गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलजुल कर रहे, सभी को प्यार दे, खुद को भी प्यार करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।